Hello, my dear students. Chapter 1st of class 8, Crop Production and Management, जिन्हों आप पंजाबी च कहने आ, फसल उत्पादन अते परिबंधन. बेटा, बेसिकली ए चैप्टर दी मैं एक रिवीजन लेके आई हाँ बाई मंथली पेपर करके, ताकि तुसी जल्दी जल्दी ए पेपर दी तो पहले ए वीडियो देख लो और तुहानू फर्स्ट चैप्टर सारा रिवाइज हो जाए. लेट अस डू, मेरी पूरी एम्फसिस होएगी कि यदि एक्सरसाइज इज बैक. एक्सरसाइज मैं तुहाडे नाल डिस्कस करा, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस करांगी, नो डाउट. पर बेटा, सब तो पहले मेरी यही कोशिश होएगी कि सब तो पहले मैं तुहाडे नाल जल्दी जल्दी यदि बैक एक्सरसाइज डिस्कस कर लाँ. नाउ आर फर्स्ट क्वेश्चन इन बैक एक्सरसाइज इज, आई राइट डाउन हेयर कि दैट इज़ फिलअप्स, खाली स्थान पर हो. नो डाउट मैं इंग्लिश भी करांगी, पंजाबी भी करांगी, पर लिखांगी मैं पंजाबी बिकॉज मोस्टली आर जेडे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जेडी पंजाबी मीडियम च ज़्यादा बच्चे ने. पहली है, इको ही किस्म के पौद्या नू इको थां ते वड्डे पद्धर दे उकान नू की कहिंदे हन. द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टीवेटेड, जिन्हों आप कहने हाँ इको ही पौद्या ते इको थां ते वड्डे पद्धर नू उगान नू की कहिंदे हन, ग्रो करन नू की कहिंदे हन. बेटा, डैश कहिंदे हन. मैं पूरी नहीं लिख रही बिकॉज आई हैव टू रिवाइज, मतलब मैंने पूरा पहला चैप्टर तुहानू रिवाइज कराना है. तो दैट इज़ फसल. इंग्लिश मीडियम तुहाडे लई है कि द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स एंड ग्रोस कल्टीवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस, ते उन्हूं आपां की कहने आ क्रॉप. ठीक है ना बेटा, ये तो आम जी गल है कि एक बहुत वड्डे एरिया जो तुसी किसी चीज़ नू उगाओ ते उन्हूं तुसी फसल कहने हाँ. सेकेंड फिलअप है, फसल उगाउण तो पहला सब तो पहला कदम मिट्टी दी की है, मतलब सब तो पहला कदम जदों तुसी फसल उगानी है तो की है, डैश है. तो बेटा इनू आपां कहने हाँ तैयारी. ठीक है बेटा, तुहाडी मिट्टी दी तुहाडे खेत दी तैयारी होएगी तो फिर ही तुसी फसल उगाओगे. इंग्लिश च आपां इनू कहने आ प्रैपरेशन. बेटा मैं तुहाडे लई स्टेटमेंट पढ़ रही हाँ इंग्लिश स्टूडेंट्स, की है, द फर्स्ट स्टैप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज प्रैपरेशन ऑफ द सॉयल. सॉयल नू तैयार करोगे, मिट्टी नू तैयार करोगे, प्रिपेयर करोगे तो फिर उस फसल उगाओगे. तीजी जड़ी फिलअप है, खराब बीज पानी उपर डैश शुरू हो जाते हैं. बेटा जेडे बीज खराब हैं वो पानी उत्ते की करना शुरू कर देंगे, की करना शुरू कर देंगे, तैरना. ठीक है, इंग्लिश मीडियम फॉर यू डैमेज सी, इंग्लिश च खराब बीज नू आपां की कहने आ डैमेज सीड्स वुड डैश ऑन द टॉप ऑफ वाटर. डैश ऑन द टॉप ऑफ वाटर, पानी दे उत्ते की करना शुरू कर देंगे ने, पानी दे उत्ते फ्लोट करना शुरू कर देंगे ने. फोर्थ फिलअप इज, फसल उगाउण लई उचित सूरजी प्रकाश मिट्टी अते डैश दी लोड़ हुंदी है. बेटा फसल उगाउण लई तुहानू किदी किदी लोड़ हुंदी है, ए नोट ही कर लो. फसल उगाउण लई तुहाडी फिलअप च दित्ता है सूरजी प्रकाश. ठीक है, इंग्लिश च आपां सूरजी प्रकाश नू की कहने आ सनलाइट, है ना. इंज आपां की कहने आ सफिशेंट, साडे को की चाहनी चाहीदी है सनलाइट. ते होर की होना चाहिए है, होर बेटा साढ़े को होना चाहिए पानी, जिन्हों तुसी इंग्लिश च की कहिंदे हो वाटर. ते होर तुहाडे को की होना चाहिए है, पोषक तत्व. ठीक है ना, खाद पाते हो तुसी फसलों नू, पोषक तत्व जिन्हों आपां इंग्लिश च कहने आ न्यूट्रिएंट्स. की कहने आ न्यूट्रिएंट्स. ते ए तुहाडे चैप्टर फस्ट दे फिलअप सी. काफ़ी क्वेश्चन होर वन मार्क्स दे इचो जिहड़े है एक्सपैक्टेड है कि आ सकते हैं, जिदा कि तुसी मतलब काफ़ी एक नंबर के क्वेश्चनस ये चो कर सकते हो, जिदा कि फिलअप्स भी आ सकती हैं या कुछ भी ये चो आ सकता है. सो नाउ लेट अस डिस्कस द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस, दैट इज़ मैच. ठीक है, जिन्हों असी कहने कि आप कहने कालम ऊ ते कालम ऐड़ा, तो यदियाँ वस तुसी आपस च मिलान करना. नाल नाल बेटा मैं इंग्लिश भी करांगी, नाल नाल मैं पंजाबी भी करांगी. सब तो पहले तो वी हैव खरीफ फसलां, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. इस एक नंबर का क्वेश्चन भी कवर हो जाना है. जे तुहाडे टीचर ने बाई चांस उधर प्रिंट आउट च नंबर नहीं आए तो तुसी आप पा लेने, कोई भी तुहानू रोंग नहीं करेगा. खरीफ फसलां दूजे नंबर पर है तुहाडियां रब्बी फसलां. बेटा खरीफ फसलों आप इंग्लिश की कहने, खरीफ फसलों आप इंग्लिश खरीफ क्रॉप्स ही कहने. ठीक है, खरीफ फॉर इंग्लिश मीडियम मैं लिख रही हूँ फॉर खरीफ.
ਰਬੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਬੀ ਰਾਬੀ ਫਸਲਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰੋਪਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਥਰਡ ਇਜ਼ ਕੈਮੀਕਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਇਹਦਾ ਮੈਚ ਆਪਾਂ ਐੜੇ ਕੋਲਮ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਚ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਰਨਾ ਲਾਸਟ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਦੇਸੀ ਖਾਦਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਔਰਗੈਨਿਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਔਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਔਰਗੈਨਿਕ ਯੂਨੋ ਮੈਨਿਊਰ ਇਹ ਜਸਟ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਿਫੋਰ ਯੂਅਰ ਪੇਪਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ 'ਤੇ ਕਵਰ ਕਰ ਹੀ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਧਰ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਪਰ ਉੱਧਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਹੈ ਉੱਧਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 5 ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਸਰ ਅੱਧੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਚ ਹੈ ਏ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਐਜ਼ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਠੀਕ ਹੈ ਬੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਫੋਸਫੇਟ ਇਹੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਠੀਕ ਹੈ ਫਾਸਫੇਟ ਈ ਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਗੋਬਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਗੋਬਰ ਠੀਕ ਹੈ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਫਾਲਤੂ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਫਾਲਤੂ ਪਦਾਰਥ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਰਥ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਣਕ ਕਣਕ ਵੀਟ ਛੋਲੇ ਹੈ ਨਾ ਛੋਲੇ ਮਟਰ ਪੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਧਾਨ ਚਾਵਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਖਰੀਫ ਫਸਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰੀਫ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਫ ਫਸਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧਾਨ ਚਾਵਲ ਮੱਕੀ ਖਰੀਫ ਫਸਲਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 1 ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਪਾ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਾ ਦੇਣਾ 1 ਬੇਟਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੱਟ ਇਜ਼ ਧਾਨ ਪੈਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਪੈਡੀ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਜ਼ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਜ਼ ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਰਾਬੀ ਫਸਲਾਂ ਕਣਕ ਛੋਲੇ ਮਟਰ ਇੱਥੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਕੁਸ਼ਚਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਏ 2 ਖਰੀਫ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੋ ਕੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਏ 2 ਖਰੀਫ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਪੈਡੀ ਮੇਜ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਲਿਖਣਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਲਿਖਣਗੇ ਧਾਨ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਏ 2 ਰਾਬੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਰੱਬੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਲਿਖਣਗੇ ਜੀ ਵੀਟ ਗ੍ਰਾਮ ਪੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਲਿਖਣਗੇ ਕਣਕ ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਮਟਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕੈਮੀਕਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਫੋਸਫੇਟ ਇੱਥੇ ਪਾਓ ਜੀ ਸਾਡਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ ਕੈਮੀਕਲ ਇੱਥੇ ਪਾਓ ਸਾਡਾ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਠੀਕ ਹੈ ਚੌਥਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਦੇਸੀ ਖਾਦਾ ਦੇਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਗੋਬਰ ਫਾਲਤੂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕ੍ਰੋਸ ਕੱਟ ਤਾਂ ਕਿ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨੇ 4 ਮੈਚ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ 4 ਦੇ ਨਾਲ 4 ਨੂੰ ਮੈਚਅਪ ਕਰਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੇ ਟੂ ਡੂ ਦਾ ਯੂਅਰ ਮੈਚ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ 2-2 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਜੀ ਖਰੀਫ ਕ੍ਰੋਪਸ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰੱਬੀ ਕ੍ਰੋਪ ਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ 'ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ ਭੂਮੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭੂਮੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬੀਜਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਫਿਲਅਪ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਇਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖ ਲਓ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਆਨਸਰ ਲੈ ਲਏ ਭੂਮੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਟ ਕੇ ਪੋਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਸਾਡੀ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਰਪੂਰ ਮਿੱਟੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਪੋਲਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਉਹ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਉੱਪਰ ਆ
जाएगी। ठीक है, हुण जेकर बहुत खुश्क होवे मिट्टी तो हल वाहुण तो पहला आपां सिंचाई की भी जरूरत है, तो इस तो बाद सुहागे की मदद ने नाल असी खेत नूं पदरा भी करना है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम मैं तुहाडे लई भी एक बारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिंदी हां। सब तो पहले टर्निंग अप द सॉयल एंड लूजनिंग विद प्लो, है ना, सब तो पहले टर्निंग है ना अप सॉयल, टर्निंग अप लिख दिंदी हां ताकि तुहानूं हिंट मिलिया रहे, टर्निंग अप सॉयल एंड लूजनिंग। ठीक है जी, लूजनिंग पोला जिहनूं आपां कह दिंदे ना, लूजनिंग विद प्लो फर्स्ट स्टैप यही होएगा। ठीक है, सैकेंड स्टैप की होएगा कि इरीगेशन इज ऑलसो डन बिफोर प्लोइंग, है ना, इरीगेशन भी सिंचाई भी की जा सकती है बिफोर प्लोइंग। लूजेंड सॉयल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब प्रेजेंट इन द सॉयल, जिहड़ी अर्थवॉर्म्स है जिहड़ी साडे जिहड़े साडे मित्र ने एक हिसाब दे, है ना, वो उन्होंने जो सॉयल लूजनिंग होगी उन्होंने ग्रोथ च हैल्प करेगी, जिदे नाल एक लैवलर दे नाल फिर तुसी सॉयल नू की कर दोगे, लैवल कर दोगे। और लैवलर नू असी पंजाबी च खेत नू पदरा करना, किदे नाल पदरा करना, खेत नू असी हल सुहागे दे नाल। ठीक है ना, खेत नू पदरा किदे नाल करना, सुहागे नाल, और इत्थे खेत नू लैवलर दे नाल लैवल करते। ठीक है बेटा, उस तो बाद की है, उस तो बाद सेकेंड जिते तुसी नोट लिखना है दैट इज यूअर बिजाई। ऑब्वियस है तुहाडी मिट्टी प्रैपरेशन ऑफ सॉयल होगी, तुसी दोनों नू कर लिया बिजाई, हुण अपना नैक्सट स्टैप की है बिजाई। ठीक है, दैट इज यूअर नैक्सट स्टैप इज सोइंग। किनू सो कर रहे हो, किनू बीज रहे हो, किनू बीजना जी, वधिया किस्म के बीजा, किनू बीजना जी, वधिया किस्म के बीजा। वट इज़ बिजाई, वट इज़ सोइंग, वधिया किस्म के बीजा, मैं दी डेफिनेशन बोल रही हूँ, हिंट मैं तुहाडे लई लिखता है, वधिया किस्म के बीजा दी चोन करके बीज ड्रिल जां हत्थां नाल, जिद्दां वी तुहानूं फाइन है, तुसी दो तरीके है, तुसी हत्थां दे नाल वी बीजा नूं बोझ सकदे हो जां बीज ड्रिल दे नाल। ठीक है ना, बीज ड्रिल नूं किसे जां हत्थां दे नाल इहनूं इक डूंघाई तक सही दूरी तक मिट्टी विच बीजण नूं असी बिजाई कहिंदे आ। सोइंग च मैं लिखांगी कि सोइंग ऑफ सीड्स एट प्रॉपर डैप्थ, मतलब प्रॉपर उहनूं की कहिंदे डूंघाई ते, है ना, डैप्थ नूं आपां कहिंदे डूंघाई, प्रॉपर डैप्थ ते आपां सीड नूं जिहड़ा है बोना है, होर की करना प्रॉपर डैप्थ ते, ते डिस्टेंस ते, है ना, डिस्टेंस ते, डिस्टेंस ते बोना है, ते हाई ग्रेड वरायटी आपां लैनी है जिहनूं आपां कहिंदे वधिया किस्म दे बीजां नूं आपां की कहिंदे हाई ग्रेड वरायटी। ठीक है बेटा, मैनू नहीं लगता हुण तुहानूं इह च कोई प्रॉब्लम है। वट इज़ नैक्सट, ठीक है, नैक्सट इज़ वीडिंग, वीडिंग योर थर्ड डेफिनेशन इज वीडिंग। पंजाबी आपां वीडिंग नूं की कहने जी, की कहने पंजाबी जी वीडिंग नूं, बहुत ईजी है, गोडी, गोडी करना। ठीक है, गोडी करना, गोडी की करते हैं, जिहड़े बिलोड़े पौधे है इन्हां नूं आपां नदीन भी कह दिंदे आ, है ना, बिलोड़े पौधे भी कह दिंदे आ। इन्हां नूं की करना जी, इन्हां नूं कढ़ना की है, साडियां फसलां दी जिहड़ी ग्रोथ है उहनूं प्रॉपर होण देण, बिलोड़े पौधे नूं फसल विचों बाहर कढ़न दी प्रक्रिया नूं, इहनूं की कर देना, बिलोड़े पौधिआं नूं फसल चों बाहर कढ़ देना जी, फसल विचों बाहर कढ़न दी, बाहर कढ़ देना जी, बाहर कढ़ना। ठीक है, गोडी हत्थां नाल, खुरपे नाल, जां सीडरलां जिन्ना भी तुसी करना है कर सकते हो। इंग्लिश एक बारी वीडिंग नूं मैं कहांगी, की कहांगी वीडिंग नूं, वीडिंग इनवॉल्व्स रिमूवल ऑफ, सिंपल जी गल, रिमूवल ऑफ अनवॉन्टेड प्लांट्स, रिमूवल ऑफ अनवॉन्टेड, ठीक है जी, अनवॉन्टेड एंड अनकल्टीवेटेड प्लांट्स, अनवॉन्टेड एंड अनकल्टीवेटेड प्लांट्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस इज यूअर वीडिंग। लास्ट एक है थ्रैशिंग, ठीक है ना, थ्रैशिंग इंग्लिश आप कहने थ्रैशिंग, पंजाबी असी की कहने जी, पंजाबी असी कहने गहाई, की करना जी, गहाई। थ्रैशिंग की होंगी है जी, की होंगी है थ्रैशिंग, गहाई की होंगी है, पक्की हुई फसल दियाँ डंडियां नालों दानियां नूं वक करना। ठीक है ना जी, फसल साड़ी पक गई है, पक्की हुई फसल नूं, पक्की हुई फसल दियाँ, पक्की हुई फसल दियां डंडियां नूं नालों दाणियां नूं वर्क, नालों दाणियां नूं वख कर। ठीक है, इंग्लिश च आपां थ्रैशिंग नूं की कहांगे, इंग्लिश च आपां थ्रैशिंग लई सिंपल वर्ड्स यूज करांगे, दैट इज की सैपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम द चैफ, है ना, सैपरेशन अलग कर देना ऑफ ग्रेन, दाने करते हैं ना जी कणक लई,
फ्रॉम द चैप. ठीक है बेटा, ये हो गया थोड़ा. हाँ जेड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और पेपर चाहन दे पूरे चांस है वो तुहाडे जेड़े प्रैक्टिस सैंपल पेपर दसवीं का मैनूं लगता बोर्ड का है उस भी है. दैट इज डिफरेंस बिटवीन रसायनिक खादा एंड रूड़ी खादा. बहुत इंपॉर्टेंट ऑफ क्वेश्चन है और ये पेपर च आने पूरे चांस है और तीन नंबर च आने चांस है. उदो भी जो मैं सैंपल पेपर से पिछले च भी डिस्कस किया हो पर मैं दोबारा डिस्कस करना चाहनी हाँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर च आने पूरे चांस है बेटा. पहला क्वेश्चन है थोड़ा रसायनिक खादा जिन्हों आप कहने फर्टिलाइजरस. ठीक है जी, फर्टिलाइजर तो जिन्हों आप कहने मैन्यूर. ठीक है, फर्टिलाइजरस यानी रसायनिक खादा की गल करा अकार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ हैं इच. ठीक है, अकार्बनिक पदार्थ जबकि रूड़ी खादा च की है दैट इज जस्ट पौद्या पौद्या अते जंतुआ पौद्या अते जंतुआ दे व्यर्थ पदार्थ तो बनाई जाती है. ठीक है जी, व्यर्थ पदार्थ तो बनाई जाती है. अगली गल करांगी सेकंड पॉइंट, इसका उत्पादन फैक्ट्रिया विच हुंदा है. इंग्लिश मीडियम सॉरी तो डेली भूल गई बोलना. इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स बेसिकली फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट वेयर एज मैन्योर इज अ नैचुरल सब्सटेंस है ना, दिस इज नैचुरल. ठीक है, तो फैक्ट्रिया च इट इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज. ठीक है, फैक्ट्रिया विच ये बनाया जाता है जबकि ये किदे च बनाया जाता है. यदा फस्ट पॉइंट लिखो, ये सैकेंड पॉइंट लिखो, ये घर के बाहर खुली थान पर तैयार कर लो तुसी, घर के बाहर खुली थान. ठीक है, खुली थान पर. ठीक है, थर्ड डिफरेंस, रसायनिक खादा भूमि नूं मल्लड़ प्रदान नहीं करदियां. वट इज़ मल्लड़? ह्यूमस. ठीक है, भूमि नूं मल्लड़ प्रदान नहीं करदियां, भूमि नूं मल्लड़ प्रदान नहीं करदियां, प्रदान नहीं करदियां. ठीक है जी, जबकि ये भूमि नूं मल्लड़ प्रदान करदियां हन, भूमि नूं ह्यूमस प्रोवाइड करदियां हन. ठीक है, भूमि नूं भरपूर मात्रा विच भरपूर मात्रा विच काफ़ी मात्रा विच मल्लड़ प्रदान कर दिया हन, मल्लड़ प्रदान कर दिया हन. ओके डियर स्टूडेंट्स, ये तुहाडे क्वेश्चन सी जेड़े बहुत इंपॉर्टेंट सी पहले लैसन दे. पर एक गल इत्थे मैं होर डिस्कस करना चाहनी हाँ जेड़ा पहले क्वेश्चन च पहले लैसन च बहुत इंपॉर्टेंट है दिते जेड़े आपा है कि नदीन नदीन की हुंदे हन एंड असी इन्हों किवें कंट्रोल कर सकते हैं. ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. नदीन की होंगे अनवॉन्टेड प्लांट्स बेटा, नदीन की होंगे. ठीक है, इंग्लिश मीडियम नदीन की होंगे असी आप कितना कंट्रोल कर सकते हैं. वट आर वीड्स, इंग्लिश आप कहने ना वट आर वीड्स एंड हाउ वी कैन कंट्रोल इट है ना, आप कितना कंट्रोल कर सकते हैं. तो बेटा सब तो पहले तो जी इंपॉर्टेंट गल मैं थोड़े तो ना करना चाहनी हाँ कि नदीन अनवॉन्टेड होंगे ने, आप नहीं चाहते कि वह उगण. कि मुख्य फसल के नाल की हों जी, मुख्य फसल के नाल उगे बेलोड़े पौद्या उगे बेलोड़े पौद्या उगे बेलोड़े पौद्या नदीन कहें. की कहते हैं जी बेलोड़े पौद्या नदीन कहते हैं. ठीक है जी, आप इन्हों कि कंट्रोल कर सकते हैं, हाउ डू वी कंट्रोल दीज, कि कंट्रोल कर सकते हैं. तो सिंपल हाथ के नाल उन्होंने पिक कर लो जा खुरपे दे नाल. ठीक है, गोडी करके खुरपे दे नाल गोडी करके. ठीक है, नदीन नाशकों के छिड़काव करके, नदीन नाशकों का छिड़काव करके. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इदा असी उन्होंने कंट्रोल कर सकते हैं. इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स मैं थोड़े लिए भी मेन मेन पॉइंट लिख दिनी हाँ, वीड्स का जड़ा है किदा कि वीड्स नूं आपां किदा कंट्रोल कर सकते हैं. सब तो पहले तो जिदा मैं बेलोड़े पौधे कह रही हूँ तो इतने एक वर्ड तुसी याद कर लो इंग्लिश मीडियम, अनडिजायरेबल प्लांट्स और यू कैन से अनवॉन्टेड प्लांट्स. ठीक है, द अनडिजायरेबल प्लांट्स जेडे नैचुरली ग्रो कर जाते क्रॉप के नाल, यू कैन जस्ट हाथ दे नाल वी कैन से अपरूटिंग दैम, जड़ तो वढ़ लो अपरूट कर दो उन्होंने. ठीक है,
उत्तो बाद कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड और फ्रॉम टाइम टू टाइम और दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी है ना खुरपी दे नाल उन्हां नूं कट तोड़ विद टाइम टू टाइम और अदरवाइज यू कैन कंट्रेल बाय सम नदीन नाशकां जिन्हां नूं आपां इंग्लिश च कहिंदे आ वीडीसाइड्स और इहदी एग्जाम्पल इत्थे है 2,4-D पंजाबी मीडियम तुसीं भी लिख सकते हो 2,4-D और बिल्कुल सही होएगा ठीक है एक क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है मैं 10th क्वेश्चन है तुहाडी एक्सरसाइज का तुहानू ना उल्टे सीधे दिते हैं पौधे दे बचा हेठ लिखे बक्सियां नू उचित तरतीब विच सैट करो अते फसल उगाउण दे रेखा चित्र नू तैयार करो उन्हां 5-6 ऑप्शनस दित्तियां फसल तैयार करन दे ना असी रेखा चित्र नू ड्रॉ करना फसल दे रेखा चित्र नू आपां की करना तैयार करना ओह ना तुहानू उल्टे सीधे दिते होए आ तो फिर उस केस दे विच असी की करना उस केस दे विच आपां उन्हां नू अरेंज करना अरेंज द फॉलोइंग बॉक्स मतलब फ्लो चार्ट से एक अरेंज करना कि पहला स्टेप केड़ा हुंदा है फसल उगाउण दा ते तुहानू पता है जी सब तो पहला फर्स्ट जिद्दां मर्जी दित्ते होण तुसीं आ सही स्टेप नोट करो भूमि दी तैयारी फर्स्ट स्टेप इज भूमि दी तैयारी सेकेंड स्टेप इज तुसीं की करना हल वाउणा भूमि दी तैयारी करके हल वाउणा तीजा तुसी बीजा नू बीजना ये सारिया टर्म्स मैं तुहाडे नाल क्लीयर कर लिया चौथा सिंचाई इरीगेशन जिहनूं आपां कहिंदे आ पंजवां सिंचाई करके तुसी की करना जी खाद पाउणी खाद पाउणा छेवां वाढी जदों फसल तुहाडी बिल्कुल ठीक होगी सत्तवां मतलब ये सी कि ये बेसिकली उन्हें शुगर केन गन्ने की फसल लिए कहा सी ते सत्तवां है ना फसल किहदे लिए कहा सी गन्ने लिए शुगर केन लिए तो उन्हें इसलिए लास्ट स्टेप जेड़ा है वो लिख लिया है फसल नू खंड मिल तक पहुँचाना शुगर तो तुहानू पता है जी शुगर केन तो की बनती है खंड बनती है तो फसल नू खंड मिल तक पहुँचाना इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स आई कैन राइट फॉर यू पीपल दैट प्रैपरेशन ऑफ सॉयल ठीक है नैक्सट इज यूर प्लोइंग ऑफ द फील्ड हलवा नू आपां कहिंदे आ प्लोइंग ऑफ द फील्ड ठीक है जी उस तो बाद थर्ड आप कहने सोइंग बिजाई ठीक है फोर्थ आप कहने सिंचाई जिन्हों आप कहने हार्वेस्टिंग ठीक है फिर इरीगेशन वेरी इंपॉर्टेंट इरीगेशन उस तो बाद आप कहने मैन्योरिंग ठीक है मैन्योरिंग उस तो बाद आप कहने सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री ठीक है सेंडिंग क्रॉप टू द शुगर फैक्ट्री ये सारिया चीज़ा है जड़िया वो बिल्कुल तुसी ऐदा करनिया है ठीक है लास्ट जड़ी मैं क्वेश्चन तुहाडे नाल लैना चाहनी हाँ मैनू ये कि मैं तुहानू सारी तैयारी करा दा वो है सिंचाई का वेरी इंपॉर्टेंट कि सिंचाई की है और इसके ढंग की हैं तो ये भी इरीगे आई थिंक इंग्लिश इरीगेशन है सिंचाई तो वो ढंग आप दसने हैं कि वो ढंग की हैं जितों तक है मैं इंग्लिश इरीगेशन है और उसके वेज असी दसने ठीक है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है इरीगेशन वट इज़ इरीगेशन सिंचाई की है मतलब वर्ड तो ही पता लगता पाया कि अंतरा तुसी पौ जी फसल लाई है ना उन्हों पानी देना प्रॉपर टाइम पर मतलब सिंचाई की होगी फसल नू उचित अंतराल ते पानी देने की क्रिया पानी देने की क्रिया ठीक है वेज ये की है फुहारा प्रणाली दूजा तुबका प्रणाली ठीक है फुहारा जस्ट फुहारा ला दो फसल दे विच ते वो पानी फसल नू इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जिन्हों आप इंग्लिश कह दें स्प्रिंकलर सिस्टम ते पंजाबी इनू कह दें ड्रिप सिस्टम अच्छा जी द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल ठीक है द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स जिन्हों उत्ते मैं की लिखा सी उचित अंतराल ठीक है बेटा इनू आप बेसिकली सिंचाई या इरीगेशन कहने
अच्छा जी, मैं बिल्कुल ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਲਏ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਠਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਨਾਲ ਭੂਮੀ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ? ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਕਰਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੀ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ, ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਮਤਲਬ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹਾਊ ਸੋਇਲ ਗੈਟ ਇਫੈਕਟਿਡ ਬਾਏ ਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਇਲ ਕਿੱਦਾਂ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਇਲ ਇੱਦਾਂ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੋਇਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਹੈ ਦੈਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੂਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਟੂ ਮੇਕ ਦਾ ਫੂਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਟੂ ਦਾ ਲਾਰਜ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਟ ਮਈਅਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟੇਕਨ? ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜੀ ਫੂਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਮਈਅਰਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਰੈਗੂਲਰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ? ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਪਾਦਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਪਾਦਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਪਾਦਨ, ਉਚਿਤ ਉਤਪਾਦਨ, ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਸਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸਹੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਫਸਲ ਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫਸਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਈ ਸੈਡ ਰੈਗੂਲਰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੋਰ ਹੈ, 2-4-D ਇਜ਼ ਵਟ? ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ 2-4-D ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵੀਡੀਸਾਈਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵੀਡੀਸਾਈਡ ਹੁਣੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਸਾਈਡਸ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਗਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਤਾ ਇੱਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਟ ਹਿੰਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੀ ਇਸ ਲੈਸਨ 'ਚੋਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਦੇ ਨਾਮ ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋਰ ਲਿਖ ਲਓ, ਬਿਊਟਾ ਕਲੋਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਊਟਾ ਕਲੋਰ, ਬਿਊਟਾ ਕਲੋਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ। ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਣ ਨਾਮ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਦਿਓਗੇ ਜੀ? ਦੋ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੂਰੀਆ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰ ਫਾਸਫੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ? ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਕੱਟਤੀ, ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਫਰੋਮ ਚੈਫ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ, ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਫਸਲ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਹਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਗਹਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਯੂਅਰ ਚੈਪਟਰ ਫਸਟ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਿੰਗ ਯੂ ਵੈਰੀ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਫੋਰ ਯੂਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ, ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ।